दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके रहस्य के सामने बाकी सभी मंदिरों के रहस्य फीके पड़ जाते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि पारलौकिक शक्तियों ने एक पूरे चट्टान को काटकर बनाया था और जिसे पूरी दुनिया कैलाश मंदिर के नाम से जानती है। तो चलिए इस मंदिर के रहस्यों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ये मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तरासते हुए किया गया था, जो कि आज के युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है उतने ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे, जबकि पुरातत्व वैज्ञानिकों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काटकर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7000 मजदूर 150 वर्ष तक दिन रात काम करे तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्य द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। मंदिर को लेकर जानकारी मिलती है कि इसकी निर्माण राष्ट्रकुल के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। तमाम इलाज के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह राजा को स्वस्थ कर दे। उनके स्वस्थ होते ही वह एक मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेगी। तब राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण और शिखर बनने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं होगा। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी। मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया। दुनिया भर के वैज्ञानिक यही मानते हैं कि इतने कम समय में पारलौकिक शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण संभव है, अन्यथा आज के समय में भी ऐसे मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे और तराश कर बनाना संभव ही नहीं है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर टिका है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल्स हैं। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किया गया है। इस मंदिर की दीवार पर अलग अलग तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया। इनके बारे में आज तक कोई भी कुछ नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन वहाँ हाई रेडियो एक्टिव के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया। कहते हैं कि वहाँ पर भूमि अस्त्र और मंदिर का निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र भी हो सकते हैं। तब अंग्रेजों ने ये रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया। कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहाँ से ये रेडियो एक्टिव किरणें आती है, क्योंकि ये किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती है। आज के समय में ऐसे मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों डिजाइंस, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, CAD सॉफ्टवेयर्स, सैकड़ों इंजीनियर्स और कई हाई पावर कंप्यूटर्स, छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर उनकी रिसर्च आदि की जरूरत पड़ेगी। उस काल में ये सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा दूसरा कैलाश मंदिर बनाना असंभव ही है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कैलाश मंदिर के बारे में? क्या ये किसी इंसानों द्वारा बनाया गया है या कि पारलौकिक शक्तियों द्वारा या एलियंस द्वारा? इस बारे में हमें अपने सभी विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।